अगले कॉलर हमारे साथ कमल है दिल्ली से। कमल, गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 20 शेयर ₹1000 के भाव पे। ठीक है, और कितने समय आप बने रह सकते हैं स्टॉक में? लॉन्ग टर्म भी बना रहे हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। राजेश सतपुते भी है हमारे साथ। राजेश, गुड आफ्टरनून, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आपका व्यू क्या रहेगा? हालांकि इनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, इन्होंने जो शेयर खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 के लेवल पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी करीब 971 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है मामूली बढ़त के साथ, और हाल ही में हमने देखा भी कि अच्छी स्ट्रेंथ इसने दिखाई भी थी, 1000 के लेवल को पार भी किया था और वापस इसने 1000 के लेवल को हाल ही में ब्रीच किया, यानी अप्रैल एंड में। अभी क्या स्ट्रेटेजी रखें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से? देखिए, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट अबाउट लॉन्ग टर्म हियर, मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप मंथ ऑन मंथ चार्ट देखो तो रिलायंस एक दायरे में है, यानी 1100-1110 ऑन हायर साइड, ऑन लोअर साइड 910-920 तक का इसका सपोर्ट है। और ये जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन, दिस इज नथिंग बट द कंसोलिडेशन फॉर्म। यहाँ पे वन साइड व्यू लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। व्यू तभी मिलता है जब आपको ब्रेकआउट मिलता है ऑन ईदर साइड, और ब्रेकआउट मिलने के लिए देर हैज टू बी सम ट्रिगर। तो मुझे लगता है फिलहाल के लिए तो रिलायंस में कुछ खास ट्रिगर नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो उसका जो पैटर्न दिखता है, जो अगर हमें ईयर ऑन ईयर पैटर्न दिखता हूँ, वो पैटर्न अभी भी खराब नहीं है, अच्छा ही है। मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिलायंस में ब्रेकआउट मिले 1100 के ऊपर तो डेफिनेटली आपको जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लाइक 1500 और मे बी 1600 जो उसका पहला हाई था, मे बी एक बार रिटेस्ट कर सके। बट एट द मोमेंट यू कैन से रिलायंस जब तक 810-820 का जो इसका जो बहुत बड़ा सपोर्ट है ये होल्ड रखता है, तब तक के लिए आप इसमें बने रहे।